तो हेलो अभिया फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। इतनी अंग्रेजी आती मुझे तो यार, मैं आज ना आप लोगों को दिखाऊंगा जो जापान में बहुत मोटे लोग रहते हैं, जो मतलब सुपर एक्सेल साइज के होते हैं, जिनको कि लगा लो कि आप वो नहीं मिल पाता, कपड़े नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिल पाते उनके साइज के, बहुत मोटे मोटे होते हैं लोग, सुमो टाइप के। तो उनके लिए भी एक स्पेशल दुकान होती है यहाँ पे, उनके लिए स्पेशल दुकान होती है, तो वो यहाँ पे कपड़े बिकते हैं। वो कहाँ से कपड़े खरीदते हैं, मतलब कैसे खरीदते हैं, तो वो दुकान आज आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर दोस्तों के साथ घूमते घूमते कहीं खाना खाने भी जाना है, खाना वाना खा के फिर उसके बाद वापस जाएंगे घर। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ और कि कई लोग मुझे आजकल बुरा बुरा बोल रहे हैं, भाई साहब आप पहले एक बार जाँच लीजिए, उसको परख लीजिए, उसके बाद फिर मुझे कुछ बोलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बार जांच तो लीजिए कि मैं हूँ या कोई और है। ऐसे मेरे पे एलिगेशन लगा लगा के मुझे फालतू उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पहले एक बार सच्चाई को जानिए, उसके बाद फिर जाकर के मुझ पर कुछ भी बोलिए। चलिए धन्यवाद, फिर स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पाचिंको के स्लॉट्स होते हैं, गेम जो पाचिंको बहुत फेमस है ना जापान में, बड़े बड़े इनके स्टोर्स होते हैं। देखिए एक राक्षस बना घूम रहा है यहाँ। देख लीजिए यही सब है जापान में शाम के वक्त, सुबह के वक्त इनके स्ट्रीट फूड जो है कैसे होते हैं, जैसे हमारे आलू टिक्की की रेडी लगती है, सब कुछ लगता है, तो इनके स्ट्रीट फूड देखिए ऐसे लगते हैं। ताकोयाकी, ये देखिए ठेला लगा हुआ है इधर भी, कोका कोला 600 एन कोका कोला के साथ ताकोयाकी, उधर भी रेहड़ी चमक रही है देखिए। तो ये ऐसे स्ट्रीट फूड होते हैं जापान में जो दिखते हैं। ये पाचिंको का बहुत बड़ा है, पाचिंको बहुत फेमस है, बट इसमें आम लोग जैसे छोटे छोटे माइनर लोग नहीं जा सकते, क्योंकि एक तरीके का जुआ है ये। हमारे यहाँ एफएम का स्टूडियो कैसा होता है, यहाँ पे देखिए एफएम का स्टूडियो ऐसे खुला सा होता है, बैठ के इसमें दो लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं। चलिए फिर स्टोर चलते हैं जल्दी से। ये जो शॉप है ना, फॉयल करके है शॉप, और यहाँ पर जितने भी मोटे लोग होते हैं ना, जैसे साइज़ बड़ी साइज़ होती है, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ होती है, उनके साइज़ के कपड़े यहाँ पे मिलते हैं ओसाका में। ओसाका में भी है, ओसाका में दो तीन जगहों पे ये शॉप है, तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़, जैसे कि आप ये देखो 3L से स्टार्ट है, 3L, 5L, 6L, 7L, तो जितने बहुत ज़्यादा मतलब शरीर के लोग हैं जिनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, कपड़े उपड़े ऐसे नॉर्मल दुकानों पर नहीं मिल पाते, वो यहाँ से ले सकते हैं। हम भी यहाँ पर आने का मेरा पर्पज़ था कि हमारे साथ एक आए हुए हैं भाई साहब लेने के लिए। फॉइल करके शॉप है, फॉइल आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बड़े बड़े साइज़ के हैं, 29,000 का है ये, ये जो है आपका 13,000, ऐसी ऐसी करके हैं काफ़ी जेन्युइन रेट में। ये हमारे साथ आए हुए जतिन जी, इनको जो है देखिए। तो जतिन भाई आप यहीं से कपड़े खरीदते हैं? हाँ, मैं मल्टीपल जगह से खरीदता हूँ वैसे, बट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फैब्रिक देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, एंड 3L से लेके यहाँ पे मुझे 5L तक मिल जाता है। 5 से ज्यादा भी मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, 6L का, 6-7 तक से बोले तो 3L हमारा होता है डबल XL, तो 5 हो गया आपका 4XL की तरह साइज। थोड़े बड़े लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे थोड़ा एक अलग आपको सुनने को मिलेगा, नॉर्मल दुकानों पर आपको पता चलेगा भाई मोटे लोगों का साइज नहीं है, हमारे पे L नहीं है, डबल L नहीं है, यहाँ हो गए, यहाँ पे L साइज नहीं है, बट 2L, 3L, 4L सारे हैं। चलिए धन्यवाद। अभी मैं जो है L साइज़ ढूंढ रहा था, मुझे शर्ट लेनी थी फॉर्मल, बट इनका कहना है कि भैया L साइज़ है ही नहीं, L साइज़ के ऊपर जितने हैं सारे L साइज़ के ऊपर से हैं। ये जूते भी हैं यहाँ पे सारे बड़े बड़े लोगों के, मतलब 12 से 13, आप देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा 4L, 3L, 3L, 7L, कच्छे भी दिख जाएंगे आपको 4L, 3L, हमारे यहाँ नाड़े वाले नहीं हैं, डिज़ाइनर कच्चे बने हुए हैं, 3L, 4L, 5L तक हैं, काफ़ी अच्छी शॉप है। इन्होंने ये भी बना रखा है कि यहाँ पे केवल हैवी लोग ही आके ले सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे का सेल चल रहा है अभी, 2 by 2 get 10% off, तो ये मोटे लोगों के कपड़ों की दुकान है। थोड़ा हेल्दी वर्ड बोल दे। सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा हेल्दी लोगों के लिए है, हेल्दी लोगों का दुकान है ये। भाई साहब गुस्सा हो गए, मोटा तो खैर मैं भी हूँ। ब्लैक सूट जो है ना जापान में काफ़ी फेमस, ब्लैक सूट और वाइट शर्ट यही चलती है, तो लोग ज़्यादातर यही पहनना पसंद करते हैं, मतलब यही पहनते हैं, ऑफिस का यही ड्रेस है यार। जो सस्ते वाले हैं ना, जैसे 19,000 का, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, टच करने पे काफ़ी मतलब बड़ा मुलायम स्वेटर है, अपनी साइज़ का नहीं होगा,
4L है तो काफ़ी अच्छा दिखने में। फॉर्मल शूज़ भी हैं बट बहुत बड़े बड़े शूज़ हैं यार। इतना बड़ा शूज़ यहाँ से स्टार्ट करो तो श्रीलंका तक जाता है ये। तो हमारे मोटा भाई सॉरी हेल्दी भाई जो है ख़रीद लिया। आपने क्या क्या लिया? स्वेट शर्ट ले ली और जैकेट वहाँ रख लिया। जैकेट भी ले ली। इन्होंने काफ़ी शॉपिंग कर रखी है। विंटर है भाई, विंटर की शॉपिंग कर रहे हैं। लगता है काफ़ी मोटे पैसे आ गए इनके पास। आज का डिनर इनकी तरफ से है हमारी तरफ। हमारा आज मटर पनीर बनाएंगे। चलिए फिर कहीं और भी आपको ले चलते हैं सरप्राइजिंगली। देखिए तो फिर वहाँ से कपड़े लेने के बाद हेल्दी लोगों के सो कॉल्ड हेल्दी लोगों के कपड़े लेने के बाद अब दिखा दीजिए। हाँ हेल्दी देखिए। इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं, महाराजा रेस्टोरेंट है ओसाका में। और यहाँ पे जो है इंडियन खाना मिलता है और काफ़ी ट्रेडिशनल है। देखिए जितने भी जैपनीज लोग हैं इनका इंडिया से कुछ लिंकअप होगा। इन्होंने देखिए साड़ी वाड़ी पहन करके सारी फोटो लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है देवी देवता है, देवी देवता भगवान हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सर्व करने वाली लड़कियाँ ना जैपनीज, ये भी इंडियन ट्रेडिशनल सूट पहन रखा है इन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में आएंगी तो इनका मेन्यू भी काफ़ी इंडियन स्टाइल का है। देखिए चखना, देखिए चखना चखना सैलेड एंड सूप तंदूरी महाराजा। चखना के बाद भी कुछ है ऐसा वेज करीज दाल मखनी बैंगन मसाला। रेट तो इनके ठीक हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं जेन्युइन वैसे ही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सूप जो पी लिया है आपने काफ़ी। और ये बिरयानी और अच्छे का कॉम्प्लीमेंट्री सलाद। हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री जो नहीं है जो पेट चला। अभी और भी खाने आने वाले हैं। आ ही गए भाई साहब लेकर के। अब आ गया, थोड़ी स्पेस बनाए यहाँ पे। थैंक यू। ये नान आ गया। नान सर सूप बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। नारियल की चटनी, कोकोनट की सब्जी। ये इधर इधर वाला। तो ये है महाराजा रेस्टोरेंट। अंदर का एम्बियंस अच्छा है।